साथ? बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं हुआ होगा वो अखबार में आ जाएगा तो मीडिया के हालात इस वक्त ये हैं मेरे हिसाब से तो ये पूरा टोटली एडवरटाइजमेंट हो रहा है ये जो पार्टी चल रही होती है उसी का एडवर्टाइजमेंट होता रहता है मीडिया के जरिए और बाकी जो अपोजिशन होता है उसका तो फीस ऐसा होता है कि जो छुपा दिया गया दो लोग किलो वाला गेहूँ लेने आ रहा है ढाई लाख दो लाख की गाड़ी लेके आ रहा है तो किस तरीके से गरीब होगी ये बताइए मैम सबसे पहले गवर्नमेंट का मुनाफा लोग उठा रहे हैं लोग उठा रहे हैं बिल्कुल मैम इसका मुनाफा लोग उठा रहे हैं योजना आ जाती है लेकिन उन पर काम किया जाता है मतलब ऐसा होता है कि 50 परसेंट लोगों को हमारे पास काम नहीं है इस वजह से हम सरकार का अनाज ले रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है हमारे पास काम हो हम खुद कमाते हों तो हमें क्या जरूरत है आपने देखा होगा की कि किसानों को अगर इतना ही लाभ सरकार दे रही है तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं किसान देखिए योजनाएं किसानों के लिए एक तरीके से कहावत है कि धोती खोल के पगड़ी बांधी तो बीजेपी है तो हिंदू पार्टी है समाजवादी या कोई और पार्टी पार्टिकुलर तो वो मुस्लिम पार्टी है हम इस चीज पे यहाँ युवा हो कोई भी हो इस चीज़ को लेकर चलना ही नहीं चाहिए हमें मुद्दे लेकर ले चलना चाहिए कि क्या मुद्दे हैं हमारे लिए क्या बेहतर होगा एजुकेटेड बंदे के लिए पढ़े लिखे के लिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है वोट कर उसको अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर चुनना चाहिए क्योंकि उसको देखना चाहिए कि उसका फ्यूचर कौन सिक्योर कर सकता है राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन के लिए अब हिंदू वोटर्स को अगर देना है तो वो मुद्दों पर दे सकता है वोट लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर इस बात में वोट देगा राम मंदिर पर या बाबरी मस्जिद पर वेलकम टू अनादर इलेक्शन शो वी आर बैक ऑन द रोड टू कवर लोकसभा इलेक्शन दिस टाइम अनादर इलेक्शन शो इज गोइन टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर कवरिंग लोकसभा इलेक्शन So far, you've seen Atul, Dhanya, and me covering state elections. This is the first time that we're going to give you big picture Lok Sabha shows. The voter list is still being finalized, but we know that about 100 crore people are going to vote this election, and almost 20 crore of these are going to be young people under the age of 29. Through this show, over the next two months, we're going to bring you people's issues and issues that concern these voters. There's one more reason why this show is very special and that is that it's completely ad free. Mm -hmm. We guys do not take any advertisements in election season that too from governments or from corporations. We only depend on you guys to power our election reportage. If you guys have not supported us so far, I urge you to please log on to newsonly.com/election fund choose an amount that's convenient to you and power our election show. पावर शो बी नाउ विदाउट एनी तो हम इस समय जिस जगह पर हैं वो बहुत खास जगह हैं और उत्तर प्रदेश की जो आठ लोकसभा सीट्स पहले चरण में चुनाव जहाँ पर होने जा रहा है उनमें से ये एक सीट है रामपुर की लोकसभा सीट 102 सीटें हैं पूरे देश में जहां पर पहले चरण में चुनाव होगा रामपुर की बात मैं करूं तो कहा जाता है कि आज़म खान एक नेता हैं जिनका इस लोकसभा कंस्टिटेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर है उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है उनकी अपनी जो छवि है जो कद रहा उसका बहुत असर यहाँ के चुनावी नतीजों पर पड़ता रहा लेकिन पिछले कुछ चुनावों के नतीजों को अगर हम थोड़ा सा देखें तो उस कद को लेकर ख़ासकर उनके कन्विक्शन के बाद जेल जाने के बाद उसमें थोड़ी सी एक गिरावट सी है या उसमें कुछ सेंध लगी है उस पर भी हम बात करेंगे और जैसा कि मनीषा ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी इस बार पॉपुलेशन है जो कि उनतीस साल से कम उम्र की है जो कि चुनाव में हिस्सा लेगी ख़ास रामपुर की बात मैं करूं तो यहाँ पर पहली बार जो वोट डालने जा रहे हैं जिनकी संख्या पैंतीस हज़ार से कर थोड़ा ऊपर है तो ऐसी एक बड़ी आबादी है जो पहली बार भी वोट डालेगी उसमें बहुत सारे यूथ हैं हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है कॉलेज है ये रज़ा पीजी कॉलेज रामपुर का और वहाँ के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान हैं जो कि एडवोकेट हैं रहमान साहब आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो हम यूथ के मुद्दों पर खासकर रामपुर के मुद्दों पर इसके अलावा पूरे देश की जो राजनीति चल रही है उसमें आ, किस तरह के उम्मीदें आपकी आने वाली सरकार से हैं आपकी जो नेता यहाँ से चुने जाएंगे उनकी क्या उनसे क्या उम्मीदें हैं इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे मैं एक मोटी मोटा छोटा सा एक जानकारी दे दूँ और रामपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर तीन आ, मुख्य पार्टियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सिटिंग उनके एमपी हैं घनश्याम सिंगलोद उनको टिकट दिया है इसके अलावा समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर शुरुआत में थोड़ी सी गफलत रही उन्होंने मोहिबुल्ला नदवी साहब को अपना टिकट दिया है उनको ये माना जा रहा है कि जिसको आज़म खान साहब चाहते थे टिकट देना वो उनकी पसंद के असीम रजा उनको नहीं देकर एक तरह से नाराज़गी पैदा की गई है इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने जीशान खान को टिकट दिया तो ये तीन मुख्य उम्मीदवार हैं जिनके बीच में ये चुनाव होने जा रहा है मनीषा मैं चाहूँगा जुनेद साहब के पास सबसे पहले आएं और थोड़ा सा हमें रामपुर की जो ये लोकसभा सीट है इसकी तासीर के बारे में थोड़ा हमें बता पाए और यहाँ के जो मुद्दे हैं लोगों के यहाँ जो ज़रूरतें हैं पिछला चुनाव हमने देखा कि यहाँ पर एक बाई इलेक्शन हुआ और उसके पहले जो 2019 का चुनाव था यहाँ से आज़म खान साहब जीते थे और बहुत कन्विंसिंगली करीब एक लाख दस हज़ार वोट से जीते थे लेकिन उसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि जब दो उनके इस्तीफ़े के बाद यहाँ पर 2022 में बाईस इलेक्शन हुआ उपचुनाव हुआ तो वोटर परसेंटेज बहुत नीचे आ गया भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली जो कि यहाँ का जो पूरा आंकड़ा है वोटों का उस नज़रिए से अगर देखें तो बड़ा चौंकाने वाली बात कही गई क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर जो आबादी का जो वो है करीब इक्यावन परसेंट के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और उनचास परसेंट के आसपास ऐसा है कि हिंदू वोटर है तो थोड़ा सा ये कहा जाता था समझा जाता था कि राम रामपुर की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुकी हुई है फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता जो आप तो पिछले बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो विधानसभा का उपचुनाव था जो आज़म खां की वजह से खाली हुआ था उनके इस्तीफे की वजह से या उनके ऊपर जो केसेस थे तो वो इलेक्शन जो हुआ था वो इलेक्शन नहीं था उसको आप सिलेक्शन बोल सकते हैं या किसी तरीके से भी वो जिस तरीके की वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं आप जो मुस्लिम क्षेत्र थे या किसी विशेष समुदाय के क्षेत्र थे उनमें पुलिस ने काफ़ी सख्ती की प्रशासन ने काफ़ी सख्ती की वोटिंग हो ही नहीं पाई थी शायद दस बारह परसेंट तो शहर में जहाँ आप इस टाइम पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं रजा डिग्री कॉलेज ये भी एक यहाँ भी वोटिंग होती है यहाँ पर भी लोगों को आने नहीं दिया गया था काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी आपने भी देखा होगा लोगों से आई ली गई थी उनसे कहा गया था कि आप एक आईडी और लाइएगा फिर एक आईडी और लाइएगा जब वो लोग तीन तीन आइडिया लेकर भी पहुंचे तब भी उसको फाड़ दिया गया और वोट डालने नहीं दिया गया जो लोग बुरख़े में आए थे उनको खास करके घरों से निकलने नहीं दिया तो वो इलेक्शन इस तरीके से जीत लिया गया और शायद पहली बार विधानसभा में शहर से भाजपा जीती थी तो इसलिए जीती थी कि यहाँ पर एक तरफा इलेक्शन हुआ था इलेक्शन ही नहीं हुआ था अगर कहा जाए तो अगर सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता आज़म खां के नाम पर उनके खिलाफ जो हो रहा है उनका उत्पीड़न हो रहा है जिस तरीके से उस पर वोट पड़ने की उम्मीद है इस बार कैंडिडेट कोई भी हो कैंडिडेट आजम खां का ही कलाएगा इस लोकसभा में समाजवादी का ही कलाएगा आज़म खान ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है कि ये कैंडिडेट हमारी पसंद का नहीं है या इसका बहिष्कार करना है कोई कहीं पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो लोग भी वोट करेंगे मुझे लग रहा है वो आजम खां के नाम पर समाजवादी के नाम पर या अखिलेश के नाम पर ही वोट करेंगे इस लोकसभा की बात को तो जो बहुत उठा पटक थी टिकट कंफर्म होने से पहले वो स्थिति समाजवादी पार्टी को लेकर नहीं है और एक क्लियर क्लैरिटी है लोगों के अंदर आप ये कह रहे हैं लोगों के अंदर तो क्लियरिटी है अंदर क्या हुआ है उठा क्या हुई है सीतापुर जेल में क्या बात हुई आजम खां की अखिलेश जी की किसी को नहीं पता है कोई ऐसा स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आया है पहले एक आया था कि हम लोग बहिष्कार करेंगे आजम खान की तरफ से आया था आसिम राजा राजा ने फिर उसके बाद नॉमिनेशन नोमिशन नॉमिनेशन कर दिया तो वो बहिष्कार वाली बात खत्म हो गई थी उनको टिकट नहीं मिला अब जो नदवी साहब को टिकट मिला है लोग उनका इलेक्शन लड़ा रहे हैं अभी तक जो पोजिशन है और उनका इलेक्शन अच्छा लग रहा है बड़ी ऐतिहासिक सीट है एक नजरिए से यहाँ की पहली जो लोकसभा सीट थी उस पर हमारे देश के जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे मानव संसाधन मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब वो यहाँ के सांसद थे उन्होंने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है एक टाइम पे हम छात्रों के पास आते हैं निशा हाँ। मेरा नाम मोहम्मद नावेद है मैं इसी रजा डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ और हम सब युवा हैं तो युवाओं को राजनीति से जुड़ा भी होना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग इस देश के जो विकास में भागीदार बनेंगे तो राजनीति को समझकर और राजनीति के से जुड़े जो फैसले होंगे वो अगर अच्छी तरह से लेंगे तभी जुड़ेंगे और हम सब युवा हैं तो हम युवा जब वोट करें तो ख़ास तौर से इस ख्या इस, इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि हम जिस भी प्रत्याशी को चुने वो किसी भी पार्टी का हो वो युवाओं का उनके करियर का ख़ास तौर से ख्याल रखें महिला सशक्तिकरण महिलाओं की सुरक्षा को अच्छा कर सके इसके अतिरिक्त हम जब युवा चुने अपने प्रत्याशी को तो ये ख़ास ख्याल रखें कि वो भ्रष्टाचारी ना हो किसी तरीके से दागी ना हो क्योंकि अगर उसके खुद के दामन में दाग होंगे तो वो बेशक समाज के लिए कोई भलाई का कार्य नहीं कर पाएगा हम देखते हैं अक्सर ये देखते हैं कि नेता संघर्ष के दिनों में बिल्कुल पैदल होते हैं किसी पार्टी का उनके सर पर हाथ होता है जनता का विकास करते करते उनका खुद का कब कई सौ गुना विकास हो जाता है पता भी नहीं चलता तो हम सरकार की तरफ बहुत इशारा है हाँ। जी जी तो हम ये कोशिश करें सभी युवा के इस इस तरह के प्रत्याशी को चुने किस जिस किसी के दामन में कोई दाग ना हो और ऐसा प्रत्याशी चुने जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निवारण कर सके छात्रों की जो आत्महत्या करने की संख्या है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है इसी तरीके से मैं किसान परिवार से आता हूँ तो किसानों की आत्महत्याओं की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है महंगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है तो हमें इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अपना प्रत्याशी को चुनना होगा क्योंकि जब किसी प्रत्याशी को चुनेंगे और सरकार बनेगी तो ऐसा नुमाइंदा हम संसद में भेजें जो इस बात को उठा सके जो हमारे क्षेत्र की मूलभूत परेशानियां हो कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं वो संसद में जाकर बेबाक तरीके से कह सके तो इसी बात का ख्याल रखना है कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए अगर परीक्षाएं परीक्षाएं हो और भर्ती की परीक्षाएं हो उसमें आप नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू पेपर आप लीक हो जाता है आपका इतना बड़ा सिस्टम सब कुछ हालाँकि कार्रवाइयाँ होती हैं जो इस तरीके के असामाजिक तत्व होते हैं जो पेपर को आउट करते हैं कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन छात्र का भविष्य सर पूरे पूरे साल तैयारियां करता है उसके बाद आप देखते होंगे कि परीक्षा रद्द हो जाती है तो सर मायूसी हाथ लगती है और फिर मैं हालांकि इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी छात्र छात्रा आत्महत्या करे क्योंकि उनके माँ बाप होते हैं परिवार रह जाता है बड़ा दुख होता है लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि किसी का भी परिवार ना उजड़े इस तरीके से ये इलेक्शन में जो हम सुन रहे हैं और मैं आप सबकी इसमें राय चाहती हूँ बहुत मीडिया में अगर हम सुने तो एम की बात कम हो रही है ये बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो इस बारे में आप लोग क्या इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं क्या ये एक एमपी का चुनाव कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र की भलाई के लिए अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए या आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है मैम हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी एम बने विकास होना चाहिए विकास के साथ हमारा मुद्दा मेन ये है कि यहाँ पे हमारे रामपुर शहर में एक जॉब वैकेंसी बहुत कम है बाकी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री कारखाना आए जिसमें हम लोग भी लगें और उससे हमारे यहाँ की इकनॉमिक को फ़ायदा हो हमारी इंडिया को भी फ़ायदा हो और ये छोटे छोटे मुद्दे हैं हम लोगों के बाकी हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होना चाहिए या कोई और होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है जो भी आए बीजेपी आए या समाजवादी आए या

तो ज़्यादातर मुसलमानों के पक्ष में वो गलत ठहराया जाता है जैसे मस्जिदों पे झंडे लगाना हिंद मुस्लिम से कई आई इस बार भी होली पे आपने देखा होगा कई मुस्लिम फैमिलीज़ को रोक कर उन पर रंगडा लगाए तो सबको बराबर रखा जाए तो ऐसा प्रत्याश होना चाहिए और यहाँ के एम पी की बात करी जाए तो यहाँ का एम पी आना चाहिए कि जो छात्रों के सबक्ष रहे वो जैसे फतेह ने बताया कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी बहुत कम है यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेते हैं मास्टर्स कर लेते हैं पीएचडी करने के बाद भी नहीं कोई जॉब नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट जॉब का भी कोई इस यहाँ पर सुविधा नहीं है तो मेरा बस यही मुद्दा है कि छात्रों के हाथ में बात करी जाए लेडीज़ के हाथ में करी जाए यहाँ पर जो कॉलेज में जिस तरह का माहौल है आप लोग उससे कितना संतुष्ट हैं कितना मुतमईन है कि ठीक है यहाँ पर अच्छा माहौल है लड़कियाँ आती हैं पढ़ने लिखने और आ, बहुत अच्छे माहौल में यहाँ से पढ़ लिख कर आगे जा सकती हैं या फिर कोई और चीज़ें हैं जो कि कैंपस में आपको लगता है यहाँ सुधार होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज का माहौल भी काफ़ी ठीक है टीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ रामपुर का माहौल भी ठीक है और हम लोग आते हैं यहाँ स्टडी के लिए और सेफली यह है कि जहाँ हम रोड वगैरह पे जाते हैं तो मतलब जैसे बॉयज़ वगैरह होते हैं तो छेड़ा छाड़ी वगैरह हाँ इस टाइप से रहता है और बाइक पे कुछ भी बोल करके चले जाते हैं और इस टाइप से सर so, एक पुलिस का प्रेजेंस या एक पेट्रोलिंग अगर हो तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा सेफ लगेगा यस मैम यस 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 मैम यस मैम और यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब कॉलेज का तो ठीक है लेकिन यहाँ रोड वगैरह पे आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और लड़कियों के लिए मतलब वैकेंसी वगैरह निकालें वैकेंसी आती हैं पेपर्स वगैरह देते हैं तो वो लीक हो जाते हैं और लीक हो कर के फिर वो रद्द हो जाते हैं और फिर काफ़ी टाइम लगता है बच्चे मेहनत करते हैं तो इसके लिए और ध्यान दिया जाए कि एग्जाम मतलब लीक ना हो अभी भी पुलिस का एग्जाम लीक हो गया था बच्चों ने बहुत मेहनत की थी सब मतलब मतलब पानी फेंक गया सब चीजों पर बच्चे बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं कि हम ऐसे यस यस मैम अच्छा ये इशू बार बार आ रहा है पेपर लीक हर जगह आ रहा है सिर्फ यूपी ने हम जहाँ भी जाते हैं गुजरात महाराष्ट्र पंजाब हाँ जी तो आप लोगों से पूछते हैं यूपी का एक आंकड़ा भी है मैं एक देख रहा था 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में करीब दस ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जिनके पेपर लीक हो गए हैं और परीक्षाएं रद्द हुई हैं तो एक बड़ा इशू ये जैसे बाकी तोड़ी स्टेट्स तोड़ी में है वैसे यहां पर भी निकल कर आ रहा है उस पर हमें थोड़ा सा लोग भी आ जाने चाहिए पेपर लीक स्टूडेंट्स कम्पलेन तो करते हैं लेकिन ये इलेक्शन में कभी मुद्दा नहीं नजर आता क्योंकि कोई एम है जो उठा रहे मैनिफेस्टो में, में मेरे ख्याल से कांग्रेस ने एड्रेस करा है कि हम सकता है मैं एम ए का स्टूडेंट हूँ जैसे कि बड़े भाई बघेल साहब ने बताया है कि वो चुनाव नहीं हुआ था ठीक है तो पहली बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये एम एल का एम नहीं मानते रामपुर का एक बार आप पूछ लीजिएगा कि एम नहीं मानते क्या ठीक है, है। दूसरी चीज़ मैं जो आज सेफ्टी की बात कर रहा हूँ महिला सेफ्टी आप आज से दो साल पहले ये पाँच साल पहले जिस टाइम गवर्नमेंट समाजवादी की थी आप यहाँ का हाल देखते हैं इतना बुरा हाल था जो हिंदू लड़कियाँ बैठी हैं मेरी बहनें वो कोई भी आने को तैयार नहीं थी इतना भय का खौफ था इतना डर बना था था आज भी आप देखेंगे पिछली सरकार के मुकाबले आज जो लड़कियाँ आ पा रही हैं वो पहले नहीं आ पाती थी इतना खौफ बना दिया था इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बात रही बेरोजगारी की तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भाई ने बताया बेरोजगारी तो इससे पहले जो नेता कहा करते थे अब नहीं है वो अब तो माफ़िया हैं पहले नेता कहा करते थे उन्हें पहले वो नेता थे उन्हें बहुत टाइम राज किया रामपुर पे उन्हें सिर्फ फैक्ट्रिया जो थी उससे पहले हमारा रामपुर उद्योग नगरी के रहना था फैक्ट्रियाँ बंद कराने का, का काम किया आप सर्वे करिएगा सारी फैक्ट्रियाँ उठने बंद करा दी तो so, आप क्लियरली समाजवादी पार्टी से कुछ नहीं है नहीं तो आप बताइए आप किस आपके मुद्दे क्या है मुद्दे यही है फैक्ट्रियाँ जो थी वो क्यों बंद कराई गई फैक्ट्रियाँ समय लगेगा कोई भी चीज के लिए है समय लगेगा फैक्ट्रियाँ लगेंगी एक चीज मैं जो क्लियर जो करना चाहूंगी कि जो महिला सिक्योरिटी का इशू है इसमें हम हिंदू मुस्लिम ना ही करें तो बेटर है क्योंकि मुझे नहीं लगता की एक सिक्योरिटी का इशू है जो हर नेता कोई भी पार्टी से कोई भी रिलीजन से उनको देखना पड़ेगा ऐसा हम बोले की सिर्फ तो इस कॉलेज में, इस में, में तो हर हर जाति हर धर्म के लोग पढ़ते होंगे तो अगर वो समस्या होगी तो सबके लिए होगी सारी लड़कियों के लिए होगी सारी लड़कियों के लिए होगी प्रत्येक धर्म के छात्र छात्रा पढ़ते हैं यहाँ पर और यहाँ का जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहाँ पर जो प्राचार्य महोदया है वो बताता चलूँ वो भी महिला हैं डॉक्टर दीपा अग्रवाल जी उनका नाम है आप देखेंगे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज़रूर है लेकिन यहाँ पर अगर आप टीचर्स की संख्या स्टाफ की संख्या देखेंगे बावन या तिरपन जितने भी टीचर्स हैं उसमें से मैक्सिमम देखिए ये हमारे देश की खूबसूरती है कि जमूरीत है ये हमारे देश की के बेशक आपने सही कहा कि चुना हुआ व्यक्ति है हम सबका सम्मान करते हैं हमारे माननीय विधायक जी हैं लेकिन यहाँ पर जब सुरक्षा की बात आती है तो यहाँ पर महिलाएं चाहे वो दीपा मैम हो जैसा मैंने आपको बताया प्रिंसिपल हैं और जागृति मैम हैं बाकी और भी दीगर टीचर्स हैं काफ़ी महिलाएं यहाँ पर हैं टीचर्स भी ज़्यादातर मैं लव भी यूज़ नहीं करना चाहता जो भाईजान ने हमारे किया कि अलग समुदाय से हैं तो ज़्यादातर संख्या उन्हीं की है जो मुस्लिम भैन मेरी बेटी है उससे ही पूछ लिए उससे पहले आप कितनी बार कॉलेज आई थी तो आपको लगता है इम्प्रूव हुआ है सिक्योरिटी बहुत, बहुत फर्क है आप देखो कॉलेज में क्या शांति का माहौल है पहले नहीं था बिल्कुल भी और इशू वाइज आपके लिए आप युवा हो आप वोट करेंगे यहीं से आपके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या जैसे पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा आ रहा है लेकिन कोई भी एम इस मुद्दे को ऐसे मुझे तो नहीं लगता प्रचार में उठाते हैं कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी आया देखते हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या बोलेगा इस पीकर कई एम पी ओ ने कई एम एल ने अपने लेटर पेड से माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की गई थी और उस शिकायत की वजह थी जो पेपर रद्द हुआ था उसके जो आरोपी है उसे भी पकड़ा गया है एक सिस्टम होता है सिस्टम को चलाने में समय लगता है वो सिस्टम की प्रक्रिया चालू है और वो रहेगी जो भी दोषी है उसे सजा मिलेगी वो तो आपने मुझे जवाब दिया बट एज एज अ अ युवा आज 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 युवा आपके लिए लिए यहां मेरे समस्या है है पार्टी चलो छोड़ो जो भी लेकिन मेन इशू एज एज अ युवा मेन इशू यही बताया भाई ने बेरोजगारी का बेरोजगारी थी नहीं खत्म करी गई है बेरोजगारी खत्म करी गई है फैक्ट्रियां बहुत थी खत्म कर दी गई हमारे हाथ पर जो बेरोजगारी से काटे गए थे वो पूर्व नेता मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा उन्हें बेरोजगारी खत्म करी उन हमारे हाथों में रिक्शा दी थी बेरोजगारी भी एक इंडिया में हर जगह की मुद्दा इनफैक्ट अभी एक डेटा आया इंडिया, है इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें काफी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स कि एसेंट जो जॉबलेसनेस है उसमें से युवा हैं सबसे ज्यादा और जिन्होंने अपना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन करा है तो युवा खासकर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है मैं इसी रॉयल डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहता हूँ कि सांसद भवन और विधानसभा में कोई युवा नेता आज तक बैठा ही नहीं क्यों नहीं बैठा रामपुर से समाजवादी से कैंडिडेट खड़ा करा है भाजपा से खड़ा करा है और भारतीय जनता पार्टी से खड़ा करा है जिसने भी खड़ा करा है ये तो पता नहीं मुझे किसने खड़ा करा है उन्हें कोई युवा नेता चेहरा नहीं दिखता ये एजेड लोग ही दिखते हैं जो युवाओं के हित की बात नहीं कर सकते युवाओं के हित की बात नहीं कर सकते जब तक मैम आप युवाओं को जब पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं बिठा लेंगे कोई युवाओं के हित की बात नहीं हो सकती उनको क्या करना है चार दिनों के बीच में बैठना है चाय पीनी है और गप्पे लड़ाने बस यही करना है यही करना है मैम मैम जब तक युवा अगर नहीं पहुँचेगा अपनी बात पर तो मेम क्या कर सकते हैं रामपुर में बहुत चिकन का ना है कहीं भी आप जाइएगा एट्टी परसेंट रिक्शे वाले मिलेंगे वहाँ शाम को अगर गरीबाई है महंगाई है तो वो लोग नॉनवेज कैसे खा रहे हैं कैसे खा गवर्नमेंट रहे पहले जो किराया मेरे ज्वालानगर से यहाँ तक का दस रुपए हुआ करता था आज तीस रुपये है तो महंगाई है तो उससे नीचे लोगों को ही फायदा हुआ है रिक्शे वालों को फायदा है जो रिक्शे वाला सौ रुपये कमाता था आज हजार रुपये कमाता है ये एकदम अलग है क्योंकि इन्फ्लेशन और इस चीज़ें इस तरह से नहीं नापी जाती हैं कि कहीं अगर खाने के लिए लोग क्योंकि आपके पास ये आंकड़ा नहीं है इस समय कि, कि कितने लोग उस चिकन कॉर्नर पर नहीं पहुंच पाते उनको कोई नहीं जानता या वो कहीं रजिस्टर नहीं है आपके निगाह में मैं बड़े भाई की बात से सहमत हूँ कि हमारे जो पहले मंत्री थे उन्होंने फैक्ट्रीज बंद कराई तो इस गवर्नमेंट को भी दस साल हो गए में बनी थी और 2024 चल रहा है तो दस साल में कुछ विकास नहीं हो सकता था वो गलती थी हम सब मानते हैं कि फैक्ट्रीज बंद हुई तो उसके बाद के दस साल में कुछ विकास नहीं हुआ दस साल बाद गवर्नमेंट बनेगी तब विकास होगा क्या तब ओल्ड जो रिक्शा वाले थे उन्हीं को को थी लाइसेंस देख के उनके जो पैरों वाली रिक्शा है उनका लाइसेंस है उसके बाद और भाई ने कहा कि दस रुपए किराया तो इनको रिक्शा किराया दिखा इनको पेट्रोल की कीमत नहीं दी कि जिस टाइम हमने बाइक चलाना सीखी तो पेट्रोल साठ रुपए लीटर था आज पेट्रोल 96 पेट्रोल के दाम हैं। ने ये तो इस बातचीत को यहाँ से मैं ये जानना चाह रहा हूँ की बहुत सारी तो, तो, स्कीम्स है गवर्नमेंट बार बार प्रचारित करती है उसमें तो मतलब आपको तो कहा जाता है की गैस सिलेंडर दे दिए गए आवास योजना दिया गया 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं तो एक तो मोटी मोटा मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक जनरल सबका ओपिनियन हाथ उठा के भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं जो अस्सी करोड़ लोगों को अगर हमें आ, सरकार से अनाज लेके पेट भरने की नौबत है या सरकार दे रही है ऐसा उसका दावा है हर मंच से तो ये किसी देश के लिए जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं या कोई सरकार दावा कर रही है कि हम बहुत समृद्ध हो गए हैं हम बहुत विकास कर चुके हैं बहुत आगे बढ़ गए उसके लिए ये कोई अच्छी तस्वीर है कि उसकी अस्सी परसेंट अस्सी करोड़ जनता सरकार के अनाज पर है कितने लोग सहमत हैं और उसके बाद मैं में आऊँगा कि इसमें कितने स्कीम्स हैं उसके लाभार्थी या उस योजनाओं से कितने लोग लाभार्थी हैं उसके आप उसके किससे सहमत हैं सर जिसमें सब ज़्यादातर ऑनलाइन होता है सारा और ज़्यादातर ये देखा जाता है जब भी साइबर कैफ़े पे सीएससी सेंटर पे जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये दिखाया जाता है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है अभी एक हैं थोड़े कम कमज़ोर हालात के उन्होंने मुझसे कहा था कि एक वो चल रही है योजना सिलाई मशीन की तो उसमें कहा था कि रजिस्ट्रेशन कराइए अब मैं सर एक हफ्ते से सी एस सी सेंटर के पास जाता हूँ वो कहता है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है hmm. तो सर ये दिखाया तो जाता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर पर उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है और दूसरी चीज़ अनाज के बारे में बात आई थी सर ये मेरे हिसाब से तो गलत है कि अनाज के ऊपर डिपेंड है आ, सरकार दे रही है अनाज हमारे पास काम नहीं है इस वजह से हम सरकार का अनाज ले रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है हमारे पास काम हो हम खुद कमाते हों तो हमें क्या ज़रूरत है और सरकार को भी ये करना चाहिए कि वो इस चीज को मजबूत करे कि आदमी अपनी खुद जेब भरे कि हम ना जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रहा हम हिंदू मुस्लिम में बात कर रहे हैं किसी पार्टी को लेकर लाइक बीजेपी है जी जी मैं बता रहा हूँ लाइक like बीजेपी है तो हिंदू पार्टी है समाजवादी या कोई और पार्टी पार्टिकुलर तो वो मुस्लिम पार्टी है हम इस चीज़ पे जहाँ युवा हो कोई भी हो इस चीज़ को लेकर चलना ही नहीं चाहिए हमें मुद्दे देख लेकर चलना चाहिए कि क्या मुद्दे हैं हमारे लिए क्या बेहतर होगा इन फ्यूचर हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है उन चीज़ को लेकर चलना चाहिए तो ये हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष हमें हटा देना चाहिए और इसके अंदर जो जहर घोला गया हमारे पूरे इन्वायमेंट में उसका उसके अंदर से अहम भूमिका मीडिया की है मीडिया ने सारी चीज़ें दिखाई हैं सारी चीज़ें छुपाई हैं और जहाँ तक कि महंगाई की बात है इशूज़ की बात है तो आपने देख लिया जो हमारी बेसिक नीड्स हैं लाइक फूड हो गया गैस हो गया पेट्रोल हो गया इन सब पर रेट बढ़े सब पे बहुत हाईली रेट बढ़े जिसकी कोई वो ही नहीं है लिमिट ही नहीं है तो वो चीज़ें गलत हैं वो चीज़ कम होना चाहिए चाहे कोई पार्टिकुलर सरकार रहे किसी भी समुदाय की सरकार हो कुछ हो लेकिन जो बेसिक नीड इंसान की सबसे बेसिक नीड कपड़े पर जी बहुत बढ़ गई है गरीब आदमी की तो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं खाना खाने के लिए उसके पास नहीं है और जो आपने बात कही कि राशन अगर कोई कम कोई गवर्नमेंट दे रही है अस्सी हज़ार इतने लोगों को तो वो ठीक है या गलत है मेरी नज़र से तो वो सर जी गलत है क्योंकि वहाँ पर अब आप, आप अच्छे काबिल दिखते हैं जहाँ पर कि आपके जो पीपल हैं जो आपका कंट्री के लोग हैं वो अपने आप से खुद से अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी कर लें आप उनके अंदर वो चीज़ हो आप उनको वो प्रोवाइड कर सकें ताकि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहें किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर अगर सरकार द्वारा कोई योजना लाई जाएगी तो दोनों ही पक्षों को दोनों ही समुदायों को सर, जो भी लोग हैं उनको मिलेगा और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है लोगों के मकान बने हैं मैंने भी देखा है कि लोगों को मकान मिले किसानों को कितना लाभ मिल रहा है वो कोई किसान ही जैसे बैठे हुए किसान के बच्चे बैठे हुए वो ही बता पाएंगे कि किसानों को एक्चुअल में उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यहाँ पे जो लोग हैं उनका मतलब आपको लगता है लोगों के गुडविल है गवर्नमेंट के लिए जैसे आपने कहा लोगों को मिला है सिर्फ यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो तो लोगों को उसके प्रति तो गुडविल है कि हम लोगों को छत मिली है या शौचालय भी मिले हैं बाकी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिस पर जो वोट जाएगा अच्छा। वोट यहाँ पर शायद स्कीम पर नहीं जाएगा वोट और बहुत सी परेशानियां है जिन पर जाएगा देखिए योजनाएं किसानों के लिए एक तरीके से कहावत है कि धोती खोल के पगड़ी बांध दी तो उसमें यह है कि कुछ जगह योजनाएं जैसे वो पीएम निधि लोगों के खातों में आई है तो उसके अलावा जो खाद वगैरह थे वो महंगे कर दिए क्या है वो योजना भी अच्छी है जो पांच तक का इलाज है, जी, वो भी अच्छी योजना है सरकार की। लेकिन इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि किसानों को अगर इतना ही लाभ सरकार दे रही है तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं किसान मैं थोड़ा सा लड़कियों से हम पूछ लें कि ये योजनाएं हैं उसमें उनसे क्या उम्मीदें आपको है सरकार से जैसे खासकर अगर एजुकेशन को देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा अभी तक कोई घोषणा छात्रों के नज़रिए से किसी पार्टी में नहीं की गई दिखती है एक मेरे ख्याल से अभी तक जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जो पेपर लीक क्या इस तरह की घटना है उसको रोकने की बात होगी और दूसरा एक उन्होंने घोषणा की है कि जो अप्लीकेशन की फीस है वो शायद उन्होंने माफ़ करने का वो किया है तो ये कितनी बड़ी चीज़ है आप एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए क्या आप लोगों को लगता है कि बाकी नेताओं से भी आपको इस तरह कमिटमेंट लेंगे बाकी ने पार्टियों से भी आप इस तरह की उम्मीद करते हैं पेपर फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस होती है वो जैसे इस बार यूपी पुलिस के फॉर्म फ़िल करने की चार सौ रुपये फीस थी और जैसे कि और एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनकी फ़ीस वगैरह होती है अब जो है उसको कम कर दिया जाए जैसे चार सौ रुपये बहुत ज़्यादा हो गए इसके अकॉर्डिंग और सरकार को जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका मतलब लड़कियों को लाभ मिलना चाहिए जैसे कि उन्होंने बताया था कि आ, सिलाई मशीन वाली योजना थी तो उसमें भी हमें मतलब फॉर्म फिल कराने के लिए गए थे तो उन्होंने ये बोल दिया था कि साइड नहीं चल रही है ये उस टाइप से इश्यूज बता देते हैं तो इसका मतलब योजना आ जाती है लेकिन उन पर काम किया जाता है मतलब ऐसा होता है कि फ़िफ्टी परसेंट लोगों को हो जाता है और फिफ्टी परसेंट लोग रह जाते हैं अगर इसको छोड़ दिया और एक जनरल पूछे कि और इस तरह की कौन सी योजनाएं जो पिछले पाँच सालों में आप लोगों को आसानी से मिली है सरकार की तरफ से जैसे घर की बात हुई या शौचालय की योजना थी या गैस की योजना थी आयुष्मान योजना इसमें से कुछ योजनाओं के जिक्र आप लोगों तक पहुँचा होगा यस yes, सर हाँ आयुष्मान जो कार्ड बने हैं उनकी योजनाएं है, जो है मतलब लाभ मिला है और हाँ टॉयलेट्स भी बने हैं गांव गांव में और जो कलोनियाँ आती हैं वो भी बनी है और जो मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं मिली है उनका लाभ मिला है किसान योजना जो है उसकी भी किस्त वगैरह आती है और काफी योजनाएं हैं तो राशन किसके लिए होना चाहिए जो फ्री वाला राशन है वो किसके लिए होना चाहिए गरीब के लिए होना चाहिए ना एक डिपो पे राशन लेने आ रहा है गाड़ी कितने की ला रहा है साढ़े तीन साढ़े तीन लाख चार लाख की बाइक वो कम बिल्कुल बि मेरे कॉलोनी में चार मेरे कॉलोनी में चार किलो हाँ। वो किस तरीके से गरीब हुआ दो रूपये किलो वाला गेहूँ लेने आ रहा है ढाई हाँ। लाख दो लाख की गाड़ी लेके आ रहा है तो किस तरीके से गरीब होगी ये बताइए मैम सबसे पहले गवर्नमेंट मुनाफा लोग उठा रहे लोग उठा रहे हैं बिल्कुल मैम इसका मुनाफा लोग उठा रहे हैं कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है अपने घर परिवार बाकी आसपास जितना भी रिश्तेदारों में कि ये राम मंदिर को के आधार पर वोट डालेंगे लोग उनको प्रेरित करता है सबसे पहले आप बताए देखिए मजहबी जो चाहे मस्जिद हो मंदिर हो मेरा टिप्पणी करना उसको उचित नहीं है सबकी आस्था का विषय है मुद्दा हम जब से पैदा हुए इबादत कर रहे हैं हमारे बुज़ुर्ग भी इबादत करते थे मंदिर जाते थे मस्जिद जाते थे अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो भी मान्यता है जो मंदिर जाना चाहते थे वो मंदिर जाते थे जो मस्जिद विषय हमारा ये होना चाहिए मुद्दा ये होना चाहिए जो हमारा रोज़गार है सेफ्टी है विकास है सड़कें हैं पानी है अच्छी शिक्षा है इस अस्पताल हैं राम मंदिर कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है सर जैसे कि राम मंदिर को इतना पैसा लगा करके बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग तो देखा जा सकता है कि उसमें इतना पैसा लगाया गया है और उसके अलावा अगर उसमें इतना पैसा ना लगाया जाता उस पैसे को हम गरीबों में बांटते या गरीबों को कुछ रोज़गार देते उस पैसे से तो बहुत अच्छा लगता और बहुत मतलब हमारे जो पॉपुलेशन है बहुत खुश होती इतना ये नहीं है कि राम मंदिर बना करके इतना बड़ा खड़ा कर दिया तो सब वहाँ जा के पूजा करें आस्था करें इससे कोई वो नहीं है अपने मन में आस्था रखें तो वो सबसे बड़ा वो है हमारे लिए एजुकेटेड बंदे के लिए पढ़े लिखे के लिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है वोट उसको अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर चुनना चाहिए क्योंकि उसको देखना चाहिए कि उसका फ्यूचर कौन सिक्योर कर सकता है राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन के लिए हमारे लिए कोई जी सेम है अभी बहन ने बताया कि चंदा इतना बड़ा रहा है तो किसने चंदा दे दिया हमारी ताकत ही हम चंदा दे पाए आपकी ताकत आप चंदा के बना लो ये तो गलत बात है ना कि आप इतना बड़ा मंदिर बनाया आपके लिए उससे, इससे पहले लगता है राम राम मंदिर मंदिर की अच्छी बात बनने के बाद वो जो पर इलेक्शन होते थे या बाबरी मस्जिद पर होते थे अब वो खत्म हो जाना चाहिए अब वो इशू नहीं होना चाहिए वो मंदिर बन गया ठीक है अच्छी बात है मंदिर बन गया है भगवान श्री राम का मंदिर बना है कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई गलत चीज बनी है तो वो इशू खत्म हो जाना चाहिए अब राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठना चाहिए राम मंदिर बन गया उसका उद्घाटन हो गया लोग जाएंगे उसमें अपनी आस्था के हिसाब से पूजा करेंगे कुछ असर है उसका नहीं मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ असर है क्योंकि तो यहाँ पर राम मंदिर का कुछ असर नहीं होना चाहिए अब हिंदू वोटर्स को अगर देना है तो वो इन मुद्दों पर दे सकता है वोट वोट लेकिन अगर अगर पढ़ा लिखा आदमी इस बात में देगा राम मंदिर पर या बाबरी मस्जिद पर तो वो मुद्दा नहीं होना चाहिए शुरू से हम जो बात करें थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी डिस्कशन हिंदू मुस्लिम पे आ जा रही है और इसमें मीडिया का इन्होंने बोला बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आप देखें पिछले चार पाँच साल से जैसे खबरें दिखाई जाती हैं हर चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया जाता है हर चीज को जिहाद बता दिया जाता है तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है एक तो आप लोग ये लोग चैनल देखते हैं न्यूज देखते हैं और किसको देखते हैं आप और आपको लगता है कि न्यूज आप लोगों के मुद्दे उठाता है तो पहले तो आपने मीडिया का जो किरदार है उसमें अपने शेर से कहूँगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं हुआ होगा वो अखबार में आ जाएगा तो मीडिया के हालात इस वक्त ये हैं हालांकि हमारा मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र को बचाने के लिए समाज को बचाने के लिए मीडिया की अहम जिम्मेदारी है रामपुर का जो माहौल रहा है अब तक जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया है हिंदू मुस्लिम वाला बिल्कुल माहौल नहीं है यहाँ आपस में सब में बहुत प्यार मोहब्बत है लेकिन तब से ये बीजेपी की सरकार आई है मैं बीजेपी सरकार को भी वो नहीं कर रहा क्लेम नहीं कर रहा लेकिन जब से ये मीडिया का रोल आया है हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो उसमें कहीं ना कहीं दस परसेंट पड़ गया है लोगों के ऊपर हिंदू मुस्लिम को लेकर तो मीडिया की प्रकार का इम्पैक्ट है ये ये अगर ये मुसलमान है तो ये हमारे खिलाफ है अगर ये हिंदू है तो ये हमारे खिलाफ है आपस में जो भाईचारा कहीं ना कहीं दस परसेंट कर ली होगी तो तो और, करो, करो, तो और कुछ नहीं है सभी नेताओं के आपस में अच्छे संबंध है लेकिन समाज में किस तरीके से जहर घोल सके वो जो मेन चीज होती है वो मीडिया में दिखाते नहीं है जिसकी वजह से लेकिन होती है नॉलेज की लोगों को मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ कुछ मीडिया ने कवर ही नहीं किया अब हम ये लोग बीजेपी वाले ज़्यादातर बात करते हैं कि हम सुरक्षा को लेकर बात करते हैं महिला की तो वहाँ पर तो महिलाओं को बहुत कुछ किया गया जो तो मैं बोल भी नहीं सकता उस पर किसी ने बात की तो मीडिया ने कवर ही नहीं किया जो ये जिहाद टाइप न्यूज़ आती रहती है उस पर आप पे क्या जिहाद नहीं मैं मीडिया को बस यही कहना चाहूंगा मीडिया जो दिखाने की चीज़ होती है खाती आपने सुना होगा एक टूरिस्ट आए थे हस्बैंड वाइफ उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ किस मीडिया ने दिखाया हमने सोशल मीडिया पे देखा हमने रील्स पे देखा और आज तो मीडिया पे मुझे लगता है नाइन्टी फाइव परसेंट भरोसा नहीं करता हम खुद नहीं करते हम यूट्यूब खोलते हैं गूगल खोलते हैं कोई न्यूज आती है हम खुद कहते हैं फेक होगी अरे साल की उम्र है बीपी का बीप रहने लगा मीडिया की वजह से देखते हैं तो गुस्सा आता है तो ये चलिए तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में वो बात क्यों हुए तो मीडिया को उस पर काम करना चाहिए क्यों हम गूगल और यूट्यूब खोलते के साथ कोई न्यूज आती है तो हम सोचते हैं कि फेक है जी मैं और इस चीज का जो इम्पैक्ट पड़ा है मीडिया पर बहुत पड़ा है अब ज़्यादातर लोग मीडिया चैनल बंद कर रहे हैं देखना को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और यूट्यूब पर दो वराइटी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ जो नॉलेज बनता है किसी पार्टी को पार्टी को रिलेटेड डिटेल वो ये पार्टी है। है। जी, जी, बहुत बढ़िया चीज है आप लोग भी न्यूज लॉन्ड्री यूट्यूब पर देखा कीजिए जी 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 हाँ सर मेरे हिसाब से तो ये पूरा टोटली एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ये जो पार्टी चल रही होती है उसी का एडवर्टाइजमेंट होता रहता है मीडिया के जरिए और बाकी जो अपोजिशन होता है उसका तो फेस ऐसा होता है कि जो छुपा दिया गया ज्यादातर मुद्दे ज़्यादातर चीज़ें सब सब चीज़ें सब जो पार्टी उसमें होती है सप्ताह में होती है उस चीज़ का वो बार बार उसका ये चल रहा है वो चल रहा है अपोजिशन जो कर रही होती है या वो जो कुछ दिखाना चाहती है वो उस चीज़ को दिखा, किसी तरह से आप लोग इसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं या किसी कोई बदलाव का वो बन सकते हैं आप लोगों को लगता है कि अब हम तो मजबूर हैं जो आ रहा है वही देखेंगे सर ये इस चीज को यूट्यूब से कवर कर रहे हैं हम लोग कि यूट्यूब जो होता है उस पर हम अपोजिशन uh, को भी उनका अलग चैनल हो गया और जो हमारा टीवी न्यूज़ चैनल है उसको दोनों चीज़ों को देखने के बाद एक हम अपना ओपिनियन निकालते हैं कि ये चीज़ ठीक है ये चीज़ गलत है मीडिया दिखाती है कुछ चैनल दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते है? ऐसा नहीं सभी चैनल हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हो हिंदू हिंदू मुस्लिम दिखाने की वजह क्या है जैसे कि हम लोग बैठे हैं हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करें दिखाया कौन आप कैसे दिखा दो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करने वाले तो हमारा आप ही है ना करते तो हम ही है ब्लेम तो व्यूअर्स का है अब कहने को तो आपका तो काम दिखाना है ना अब हिंदू मुस्लिम तो हम कर रहे हैं सो वन इम्पोर्टेंट इशू एंड इट्स हार्टनिंग टू नो कि भाई मीडिया में तो हिंदू मुस्लिम होता रहता है पॉलिटिशियंस भी वोट के टाइम करते हैं लेकिन अगर यूथ ये समझ जाए कि इससे ज्यादा बड़े इश्यूज हैं हमारे लिए तो वो बहुत जरूरी है इलेक्शंस के लिए ये हमारा पहला इलेक्शन शो था आज रामपुर के रजा पी डिग्री कॉलेज से और बहुत सारे बात हमने बात स्टूडेंट के साथ की अलग अलग उनके मुद्दे क्या थे किन मुद्दों के ऊपर उनके जो आने वाले चुनाव हैं वो प्रभावित होने वाले हैं ये हमारा पहला इलेक्शन शो था आने वाले समय में बहुत सारे और शोज़ चार तारीख को जब नतीजे आएंगे उससे पहले हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और ये पूरा का पूरा अनदर इलेक्शन शो का जो सीरीज़ है आप तक आपके ज़रिए पहुंच रही है आपके समर्थन से पहुंच रही है न्यूज रॉन्ड्री के इस इलेक्शन फंड को मदद करें हमारे छोटे छोटे कई सारे इलेक्शन फंड इस समय चल रहे हैं उनको मदद कर क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से चलता है किसी भी तरह का विज्ञापन ना तो कॉर्पोरेट का ना किसी राजनीतिक दल का हम लेते नहीं हैं तो इसलिए भी क्योंकि हमारा मानना है कि जब पत्रकारिता में आप इन्वेस्ट करेंगे आप निवेश करेंगे तो पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह आप होती जाएगी और इलेक्शन सीजन में सबसे ज्यादा पैसा एक जो कमाते हैं वो मीडिया का एक वर्ग होता है क्योंकि बहुत सारे एड्स आते हैं सारी पार्टीज एड्स करती हैं प्रचार देती हैं वो सारे एड्स हमने खारिज कर दिए हम कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं लेते हैं ताकि हमारा मेन एम ये रहता है कि हम जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाएं और कोई भी पावर में हो उनसे हम क्वेश्चन पूछ पाए थिंक यहाँ पे घूम फिर हर स्टूडेंट के दिमाग में पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है वो ही यहाँ पे निकल के बहुत आया -लीक। लीक। हाँ लेकिन यहाँ पे एक टेंशन नजर आ रही थी हमें वो हिंदू मुस्लिम वाला जो टेंशन है हाँ। रामपुर जैसे आपने बताया एक में, था फिफ्टी परसेंट ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे बीजेपी जो जीत रहे हैं काफी टाइम से ये भी एलिगेशन लगाए गए की जिस चुनाव में वो जीते वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स यूज करी गई एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सख्त रवैया था लोगों के साथ कुछ लोग वोट नहीं कर पाते तो ये कुछ एलिगेशन हैं थोड़ी नाराजगी बातचीत तो ऐसा निकल के आया जो हमारे साथ यहाँ के रामपुर के स्थानीय एक बाशिंदे थे उन्होंने भी हमें इस बात पर जोर देकर बताया कि किस तरह से जो बाई इलेक्शन था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सख्त रवैया खासकर जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पर अपनाया जिसकी वजह से उनके लोग या मुस्लिम इलाकों से लोग वोट डालने के लिए नहीं करते और ये नंबर्स में जो वोट ओवरऑल नंबर है उसमें भी दिखता है जब 2019 का जो नंबर था उसमें करीब दो, दो पहले और दूसरे पायदान की पार्टियां थी उनके बीच में कुल 10 लाख वोट पड़े थे और अगर आप इलेक्शन के नंबर्स देखें तो उसमें वोट का परसेंटेज घट के करीब साढ़े छः सात लाख के आसपास आ गया तो साढ़े तीन चार लाख वोटों का गिरावट एक चुनाव में ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई तो ये था हमारा शो रामपुर से रामपुर विल वोट इन द फर्स्ट फेज अप्रैल 19 और इसके बाद हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं मैं यहाँ से जाऊँगा रामपुर के बाद उत्तराखंड देहरादून हरिद्वार जाएंगे वहाँ पर आप तक पहुँचाएंगे एक अनदर इलेक्शन शो के कुछ और हिस्से इसके बाद मैं वहाँ से निकल कर जाऊँगा पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है हम आ, और कृष्णा नगर है राना है यूनिवर्सिटीज़ हैं जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ में भी कोशिश भी कोशिश करेंगे कि पर से वहां के के छात्रों साथ आप तक एक शो और मैं जाऊंगी कोचिंग कोचिंग के बाद वायनाड बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन रहेगा वहाँ पे वायनाड के बाद मैं जाऊंगी कर्नाटका कर्नाटका में हम बैंगलोर जाएंगे मैंगलोर भी जा सकते हैं और उसके बाद हम पहुँचेंगे दिल्ली और फिर हम दोबारा मिलेंगे पटना में पटना में तो पटना में छठे और सातवें फेज में हम पटना और ईस्ट यूपी जो कि बनारस प्रधानमंत्री की है उसके आसपास के इलाकों को कवर करेंगे वहां से आप तक इलेक्शन शो पहुंचाएंगे। बनारस बहुत एक हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट रहेगा वहाँ पे धनिया राजेंद्र भी हमें ज्वाइन दैट शो वेरी एक्साइटिंग स्टेट यून फॉर ऑल दमिंग एपिसोड बाय This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/slash 2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.